हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया टायर कंपनी रांची। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब राइडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, काफ़ी लोग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, आपका लेह लद्दाख साइड भी खुल गया है, तो काफ़ी लोग रांची से भी निकल रहे हैं एंड आई एम श्योर ऑल ओवर इंडिया से लोग राइड्स पे निकल रहे हैं अब लंबी लंबी। तो अब राइड्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको रहता है कि अगर आपका 10-12 दिन का ट्रिप बन रहा है एंड लंबा ट्रिप्स बन रहे हैं आपके, तो कौन सा लगेज सॉल्यूशन आपको लेना चाहिए। तो आज का टॉपिक है डेडिकेटेड टूवर्ड्स लगेज। लगेज में 2-3 मेजर ऑप्शंस आते हैं जो बाइकर्स प्रेफर करते हैं, तो उसमें से आपको कौन सा लेना चाहिए, किसमें क्या आपको बेस्ट फीचर मिलता है। अभी मैं आपको एक जनरलाइज्ड वीडियो बना रहा हूँ रिगार्डिंग सैडल बैग हो गया वर्सेस आपको टेल बैग हो गया, इन दोनों में से आपको क्या प्रेफर करना चाहिए मैं ये बताने वाला हूँ। एंड अगर आपको प्रोडक्ट वाइज डिटेल चाहिए तो कुछ कमेंट कर देना, तो मैं प्रोडक्ट वाइज भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा। तो अभी जनरलाइज्ड वीडियो रहेगा रिगार्डिंग सैडल बैग वर्सेस टेल बैग, कौन सा प्रेफर करना चाहिए, तो बने रहिएगा, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास है सैडल बैग। तो सैडल बैग क्या रहता है, जैसे सैडल बैग हो गए 2 बैग्स के सेट जो आपके बाइक के पीछे साइड आपके रेयर सीट पे लग जाएंगे। तो रेयर सीट के पीछे ये ऐसे सीट के सपोर्ट से माउंट हो जाते हैं। तो ये जैसे क्या है कि अलग अलग कंपनी के आते हैं, ये आपको एज अ माउंट होके ऐसे बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ऐसे करके आप अपनी रेयर सीट पे इसे रख सकते हैं। बाकी रखने के बाद भी आप इसे अलग से टाई कर सकते हैं, इसके साथ ही आपको माउंटिंग स्ट्रैप्स मिलते हैं, तो आप टाई कर देंगे तो वो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहेगा। तो एक ऑप्शन आपके पास ये हो गया। एक ऑप्शन आते हैं इस टाइप से टेल बैग्स। तो अब डिफरेंस क्या लाई करता है, सैडल बैग मेनली यूज़ होता है तब जब आपके पास एक पिलियन है। अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं तो क्या है कि आप टेल बैग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि टेल बैग आपकी सीट पे पीछे रखाता है। तो अगर आपकी सीट पे पीछे रखाएगा तो पिलियन ऑब्वियसली नहीं बैठ पाएगा। तो अगर आप पिलियन के साइड राइड कर रहे हैं तो बेटर ऑप्शन रहता है आपके पास सैडल बैग्स लेना, क्योंकि इस पर क्या है कि बैग्स आपके बाइक के दोनों साइड पे पीछे साइड लटक रहे होते हैं, तो क्या है कि कोई पिलियन भी इस पर ईजिली ऊपर सीट पर बैठ सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो एक ऑप्शन आपके पास ये आता है। बट अगर आप सोलो राइडर हैं तो क्या है कि मार्केट में काफ़ी सारे सैडल बैग्स अवेलेबल रहते हैं और टेल बैग्स आप कोई भी ले सकते हैं। सोलो राइडर के लिए टेल बैग रिकमेंडेड रहता है क्योंकि इजी टू यूज़ है एंड आपका सीट पे ऐसे ही रखा जाता है, उसी पे माउंट हो जाता है सीट के ऊपर। एंड इस पे क्या होता है कि आपको जनरल अगर हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो सैडल बैग में आपको जो स्पेस रहती है वो रहती है अराउंड, डिफरेंट सैडल बैग्स में अगर मैं देखूँगा तो अराउंड 45-50 लीटर्स से लेकर 60-65 लीटर्स तक मैक्स जाती है। एंड यही अगर मैं टेल बैग्स की बात करूँगा तो टेल बैग अगर जैसे अब अपने पास ही वैरायटी अगर मैं देख लूँ तो अलग अलग ब्रांड्स के स्टार्ट हैं, आपको 30 लीटर्स से लेकर मैक्सिमम 75 लीटर्स तक का टेल बैग भी आता है। तो 70-72, जैसे अब ये सोलेस का ही जो टेल बैग मैंने रखा हुआ है इसकी स्पेसिंग है 72 लीटर्स। तो स्पेस वाइज काफ़ी स्पेशियस हो जाता है, तो काफ़ी लगेज इसमें अट सकता है। अब गार्जियन गैस का भी आता है, वो 50 लीटर 70 लीटर्स के स्पेसिंग में रहता है, तो स्पेस वाइज ये आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है। तो
तो काफ़ी इसमें सामान अट सकता है। जो लोग सोलो राइडर्स हैं एंड जिन्हें लंबे ट्रिप में जाना है एंड पिलियन नहीं है उनके साथ, तो इस पे क्या है कि आप अपना कपड़े, ज़रूरत का सामान, फिर आगे अगर आप ऐसी रोड कंडीशंस में जा रहे हैं, अगर आपको कैंपिंग का सामान, टेंटिंग का सामान, इसमें काफ़ी स्पेस है कि काफ़ी कुछ आ जाए। 72 लीटर्स काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। अब सेकेंड ऑप्शन, जो सेकेंड चीज़ जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो हो जाती है कि आपको इस पे एक और एडवांटेज मिलता है जब आदमी सोलो राइड कर रहा है, ऐसे बैक रखता है पीछे, तो इस पे आप देख सकते हैं इस पे भी ये फोम की कुशनिंग दी रहती है, तो ये एज अ बैक सपोर्ट भी एक्ट करता है। ये ऐसे आपके सीट पे पड़ा रहेगा, तो जब आप राइड कर रहे हैं आपकी बैक अगर एक हो रही है तो ये आपको एज अ बैक रेस्ट सपोर्ट भी ऐड करता है, ये सीट के पीछे जब ऐसे बन जाता है तो एक वो भी एडवांटेज है इस पे। दोनों में ही रेन कवर्स आते हैं, आजकल काफ़ी सारे वाटरप्रूफ मटेरियल वाले भी आए हुए हैं, टेल बैग्स भी, सैडल बैग्स भी जो वाटरप्रूफ रहते हैं। जैसे राइनोक्स का ही अगर मैं ये देख लूँ तो ये भी अंदर से ड्राई स्टैक है, तो ये अंदर से वाटरप्रूफ मटेरियल का ही है, तो वाटरप्रूफिंग मटेरियल भी आपको मिल जाती है। आप देख सकते हैं इस पे भी जो कवर लगा है वाटरप्रूफिंग मटेरियल का ही कवर लगा हुआ है। बाकी सब पे रेन कवर्स भी आते हैं एक्सटर्नल, बाहर से कवर करने के लिए, तो ये सब अलग अलग फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। अब एक और मेजर डिफरेंस लाई करता है आपके बाइक की राइडिंग पे। अगर आपका राइडिंग पोस्चर ऐसा रहता है कि आप सोलो में चल रहे हैं बट आपको बाइक की, जैसे टेल बैग में एक डीमेरिट ये मिलता है आपको कि आपका पीछे बंधा रहने के कारण क्या होती है, विंड ब्लास्ट और ये सब से थोड़ी स्टेबिलिटी, अगर आप हाई स्पीड में जाते हैं या डाउनहिल जा रहे हैं, ये बंधा हुआ है तो ये आपको बैक को जैसे सपोर्ट देता है, तो वैसे ही डाउनहिल जाने में क्या है कि इसकी जो प्रेशर रहता है, सामान इसमें आपने इतना भरा रहता है कि वो आपको एज अ बर्डन भी एक्ट कर सकता है। बट वो अगेन डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर, कितने लोग को फील होता है, कितने लोग को नहीं होता है, वो आपका एक पर्सनल चीज़ हो जाती है राइड के हिसाब से, बट एक वो डीमेरिट में इसे काउंट होता है। अब इसमें एक वो जो डीमेरिट है वो ये है कि ये आपके बाइक के साइड पे रहता है, तो दोनों साइड पे रहने से क्या है ना कि बाइक की ओवरऑल बॉडी जो है वो आपको थोड़ी देख के चलानी पड़ती है, क्योंकि वो अलग अलग साइड पे निकल जाता है दोनों साइड, तो क्या है कि ओवरऑल जैसे अगर आप पहले कट मार रहे थे तो वो आपको थोड़ा देख के बाइक को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि सटने का डर रहता है कि अगर आप ठीक से उसे नहीं करें और आपको लगे कि आपकी बाइक छोटी सी जगह से निकल जाएगी तो नहीं, अब वो कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा। अगर आप में सैडल बैग्स लगे हुए हैं तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करके निकालना पड़ेगा, तो इस पर एक डीमेरिट ये आता है। प्लस अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ, कौन ज़्यादा ईजी टू हैंडल है, ईजी टू हैंडल क्विक एक्सिस में आपको टेल बैग्स जो रहते हैं वो थोड़े ईजी टू हैंडल रहते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे अगर आपके बाइक के पीछे ये बंधे हुए हैं, अगर आपको कुछ भी निकालना है, आपको जस्ट ये बटन खोलना है, जिप खोला, आप निकाल लिए, माउंट अनमाउंट का बार बार टेंशन नहीं रहता है। वेयर एज अगर मैं इसी की बात करूं, अगर इसे मैंने निकालना है तो पहले आपको फिर क्या है, दोनों साइड को मैनेज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी बाइक पर ये बंधे हुए हैं, आप एक साइड से खोल के कुछ निकालोगे तो वो टेंट करेगा दूसरे साइड बेंड होने का। इसमें आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अपना लगेज भर रहे हो इसके अंदर तो वो इस बेसिस पे भरे कि दोनों वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस साइड ज़्यादा लगेज रहेगा एंड इस साइड कम रहेगा, तो ऑब्वियसली बाइक आपकी एक साइड की तरफ लीन ज़्यादा करेगी एंड आपको वो थोड़ा डिसकम्फर्ट लगेगा चलाने में, तो वो भी एक ध्यान रखना होगा कि इसको भरे इक्वली। तो इसको कैरी करने में भी थोड़ा एक टास्क रहता है, कैरी करने का टास्क ये रहता है कि अगर आपको इसे, जैसे आप बाइक कहीं हॉल्ट किए एंड आपको कोई अपने होटल में इसे लेके जाना है, तो इसे पूरा अनमाउंट करके ले जाने में, कैरी करने में थोड़ा टास्क लगता है। वेराज इसमें अगर मैं हम लोग बात करें तो इस पर आप इजीली एक इसकी अटैचमेंट आती है। अब जैसे अगर राइनोक्स का मैं ये कंसिडर करूँ, इस पर जैसे आप देख सकते हैं ये सिस्टम आ गया है, तो ये एज अ बैकपैक बन जाता है, तो ये तो खैर राइनोक्स में आया हुआ है, दूसरे अगर मैं बैग में करूँ तो वो स्लिंग बैग्स बन जाते हैं, तो आप इजीली इसे अनमाउंट किया स्लिंग बैग बना के अपना ट्रैकिंग कर लिया या कहीं लेके गए तो आराम से जा सकते हैं, तो इसे स्लिंग बैग बनाया जा सकता है। एंड स्लिंग बैग क्या है कि बेसिकली जितने भी टेल बैग्स आते हैं सब में ये ऑप्शन रहता है कि वो स्लिंग बैग इजीली बन जाए। स्पेसिंग आप मैंने खोल के दिखा दिया है, देख सकते हैं कि काफ़ी ह्यूज स्पेसिंग रहती है इस पर, यहाँ पर भी स्पेसिंग है,
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पॉकेट्स हैं, ये इसका लाइनर्स हो गए रेन लाइनर्स। तो इस पे ज़िपर पॉकेट्स भी काफ़ी सारे हैं एंड इसमें स्पेसिंग आपको काफ़ी मिल जाती है जैसे कि मैंने बोला। अब जो हम लोग मेन बात कर रहे थे इसे बैकपैक बनाने की, तो ये देखिए जैसे इसे स्लिंग बैग इजीली बना सकते हैं, राइनोक्स को जैसे बैकपैक बना सकते हैं वैसे ही इसे स्लिंग बैग बना सकते हैं। तो जब आपको कहीं माउंट करके जाना है, इसे अनमाउंट किया एज ए स्लिंग बैग इसे लेके जा सकते हैं, ये इजीली आपको जा सकता है एज ए साइड बैग। तो ये इसमें कन्वीनियंस रहता है। हालांकि अगर वही चीज़ मैं इसमें देखूं तो ऑब्वियसली इसमें कोई वैसा अटैचमेंट नहीं है तो आपको इसे कैरी करने में थोड़ा टफ़ होगा। एंड ये इसके साथ नहीं है, ये जितने भी सैडल बैग्स हैं आपको वेट के हिसाब से उसे कैरी करना पड़ेगा अलग अलग। तो एक ये हो गया आपको मेजर डिफरेंस, एक आपको मैंने बता दिया आपकी स्टेबिलिटी में जो फ़र्क आती है एंड साइजिंग के हिसाब से जो फ़र्क आती है। तो अब कौन सा लेना चाहिए वो डिपेंड करता है वही दो चीज़ पे। अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोल्यूशन। अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए सैडल बैग्स में ही, क्योंकि वो एक कंफर्ट बना रहेगा, प्लस ये चीज़ आप माउंट नहीं कर पाएंगे। ये आप पिलियन के साथ तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास अगर कोई बहुत मज़बूत बैक कैरियर लगा हुआ है, तो ये बैक कैरियर में उस हिसाब से आप इसे माउंट कर सकते हैं। बट जनरली क्या है कि ये सीट पे ही माउंट पे चलता है। बजट के हिसाब से या आपके प्राइजिंग के हिसाब से बात करूँ तो ये क्या है, प्राइजिंग ब्रांड टू ब्रांड फ्लक्चुएट करता है। हर ब्रांड का प्रोडक्ट अपने हिसाब से डिज़ाइंड है एंड उसकी प्राइजिंग उस हिसाब से वेरी कर रही है। हालांकि अगर वॉल्यूम के हिसाब से मैं प्राइजिंग कंपेयर करूँ तो आप काफ़ी लोगों को लग सकता है कि टेल बैग आपको जो है वो ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है, इस वे में कि सपोजिटली आपको सेम, अगर मैं सोलेस का ही देखूं तो सोलेस का अगर टेल बैग मैं देख रहा हूं तो उसका 4300 में आपको 72 लीटर्स की कैपेसिटी का टेल बैग मिल जाता है। वेराज अगर मैं जाऊंगा सैडल बैग में तो 5000 के अंदर अराउंड 60 लीटर्स के टेल बैग सैडल बैग मिलते हैं। तो अगर आप स्पेस के हिसाब से कंपेयर करेंगे प्राइजिंग तो आपको लगेगा कि टेल बैग थोड़े सस्ते पड़ते हैं। राइनोक्स का भी अगर कंपेयर करूंगा तो वही आपको चीज़ लगेगी। हालांकि राइनोक्स ने अपना एक बहुत अच्छा टेल बैग निकाला है जिसका ये मैं बात कर रहा था, इसकी स्पेसिंग कम है, ये अराउंड 50 लीटर्स की है, बट इसकी ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक ये वाटरप्रूफ मटेरियल में है एंड इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स में काम किया हुआ है। जैसे इसे बैकपैक बना सकते हैं या हेलमेट आप टांग सकते हैं, हेलमेट टांगने के लिए भी बनाया हुआ है। तो वो क्या है कि अंदर में आपको वाटरप्रूफिंग मटेरियल भी है, तो इसकी प्राइसिंग अब थोड़ी ज़्यादा है। बट वो क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिपेंड करता है हर की प्राइसिंग। एक ओवरऑल में देखूंगा तो टेल बैग्स थोड़े सस्ते पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू सैडल बैग्स। सैडल बैग्स की अब बेसिक जो रेंज है साइज़ के हिसाब से वो आपको आ जाती है, जैसे राइडा का भी है अपने पास, गाजिन गैस का भी है, वो अराउंड 3200-3500 से लेकर राइनोक्स का जाएंगे तो 4350 प्लस, अगर आपके अपविन साइलेंसर है तो उसके लिए अलग टाइप के सैडल बैग्स आते हैं तो वो आपको चल जाता है अराउंड 5300। तो बेसिक रेंज जो है वो 3500 से लेकर 5500-6000 की रेंज तक के आते हैं। और टेल बैग्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी फिर साइज़ के हिसाब से रहते हैं, अराउंड 3000 से लेकर 5500 तक आते हैं वो भी। कोई कोई जैसे ये प्रीमियम प्रोडक्ट है तो ये 6300 का है, नहीं तो बेसिक जो रेंज है वो आपको 3000-3500 से लेके 4500 तक में काफ़ी वैरायटी आ जाएगी एंड काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आपको बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का टेल बैग्स मिल जाएगा, लगभग अराउंड 72 लीटर्स के कैपेसिटी के मिल जाएंगे टेल बैग्स। सम अप करने के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर एक राइडर का डिपेंड करेगा चॉइस ऑफ सैडल बैग वर्सेस टेल बैग कि आपकी राइड किस बेसिस पे हो रही है। जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बोले हैं वो सब आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं या नहीं, अगर हैं तो फिर आपको टेल बैग को एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर पिलियन है तो। दूसरा ऑप्शन वही आपका बजट जो अलाउ कर रहा है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा साइजिंग, अगर साइजिंग वाइज बड़ी चाहिए है तो बेटर ऑप्शन रहता है आपको टेल बैग्स का। फिर आपको एक और चीज़ देखना है कि आपको राइड में करने में कंफर्ट या डिसकंफर्ट किस में फ़ील होता है। अगर आपको बल्किनेस में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है
एंड पीछे बांधने में क्विक एक्सेस आपको ज़्यादा चाहिए है तो फिर आपको टेल बैग में जाना है। अगर आपके पास पिलियन है बट कैरियर लगा हुआ है तो भी सैडल टैंक बैग्स सॉरी टेल बैग्स माउंट हो जाते हैं। तो अगर आप पिलियन है बट कैरियर है बैक कैरियर तो टेल बैग में भी जा सकते हैं। तो ये चार पांच चीज़ों को आपको कंसिडर करके एक चॉइस बना सकते हैं। बाकी आई होप ये वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपको क्या लेना चाहिए। राइड स्टार्ट हैं तो एंजॉय योर ट्रिप्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कितने लोग देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इट कीप्स अस मोटिवेटेड। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।